नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। कानपुर नगर पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए अशोक असवानी ने IAS परीक्षा की तैयारियों के संदर्भ में दी जानकारी। उन्होंने बताया कि हेमू कॉलोनी मेमोरियल शिक्षण संस्थान के तत्वावधान में आगामी 25 दिसंबर शनिवार को कानपुर नगर के दक्षिण में बर्रा स्थित सिंधु इंटरनेशनल स्कूल में IAS की परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में एक शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली से एक्सपर्ट आकर शिक्षार्थियों को अपने टिप्स देंगे कि वह IAS की परीक्षा में कैसे सम्मिलित हों और वह कैसे इसमें सफलता अर्जित करें। यह आयोजन निःशुल्क है। इसमें SC ST बैकवर्ड व अल्पसंख्यक सहित सभी वर्गों के शिक्षार्थी शामिल हो सकते हैं। कार्यक्रम की समस्त तैयारियों के बारे में संयोजक अशोक असवानी ने प्रेस वालों को जानकारी दी। कानपुर से संवाददाता किशोर मोहन गुप्ता की खास रिपोर्ट। किस लिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाई है कि उत्तर प्रदेश के तमाम वो गरीब छात्र जिनका सपना होता है कि वो IAS बने, लेकिन उनके पास सही मार्गदर्शन न होने की वजह से उनका सपना टूट जाता है। तो हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि चाहे किसी जाति धर्म का आदमी हो, किसी वर्ग का हो, वो IAS में कैसे आ गया है, उनका पूरा रोड मैप तैयार किया है। उस रोड मैप के माध्यम से हम उनको IAS बनाना चाहते हैं, इसमें हमारा भी सपना है। और इसके लिए 25 दिसंबर शनिवार को कानपुर के बर्रा में सिंधु इंटरनेशनल स्कूल में एक दोपहर 12 बजे से कैंप लगाया गया है, जिसमें जो हमारे विशेषज्ञ आएंगे दिल्ली से, संतुष्टि राज थापर जी हैं, श्रीकांत भाटिया जी हैं, वरुण देवतिया जी हैं, ये आके बच्चों को ओपन डिस्कशन में सब मार्गदर्शन देंगे और इनको फ्री पुस्तकें देंगे IAS के लिए कि कैसी तैयारियाँ करें। और उसके बाद अगर इनका आगे इंटरेस्ट बना रहता है तो हम यहाँ पे उनके लिए स्थायी केंद्र भी करेंगे। कितने कैंप लगा चुके हैं अभी तक आप? अभी हम चौथा कैंप लगे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। पहला रायपुर, दूसरा लगाया पुणे, तीसरा उल्लासनगर, चौथा है कानपुर।